हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य में उस विषय वस्तु पर चलते हैं जिस पर कभी किसी लेखक या कवि ने विशेष ध्यान नहीं दिया था। भारतीय समाज में हमारे कई काव्य पुरुष और नारियों को इंगित करके लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी नारियां रही हैं जिनके ऊपर इतनी साहित्य सृजन होने के बाद कई लेखकों और कवियों ने ध्यान नहीं दिया था, जैसे कि माता उर्मिला, माता कैकेयी, माता यशोधरा, गौतम बुद्ध जी की पत्नी, जिनके बहुत ही विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति उनको छोड़कर के वापस संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उनके अंदर क्या दुख, क्या विरह वेदना रही होगी, इस पर कभी किसी लेखक ने ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से माता कैकेयी जो अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगती हैं अयोध्या की और भगवान राम को वन भेज देती हैं, लेकिन उन्हें समाज में कितना तिरस्कार झेलना पड़ा होगा इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है, और ना इसके बारे में कभी किसी कवि या लेखक ने ध्यान दिया था। इसी प्रकार से माता उर्मिला भगवान के साथ जब लक्ष्मण जी वन जा रहे होते हैं और माता उनको थाली लेकर के केवल आरती उतारने के लिए आती है, लेकिन लक्ष्मण जी बिना मिले हुए चले जाते हैं, माता उर्मिला उसी रूप में 14 साल तक खड़ी रहती हैं। बताइए क्या उन लोगों के साथ विरह वेदना कितनी करुणा रही होगी, लेकिन कभी किसी भारतीय लेखक या कवि ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद राष्ट्रकवि मैथिली शरण ने इन्हीं तिरस्कृत नारियों को इंगित होकर के अपने काव्य की रचना किया था, और उसी में उन्होंने माता कैकेयी के बारे में भी लिखा है कि माता कैकेयी के अंदर कितना दुख रहा है जब उन्होंने प्रभु राम को वन भेज दिया था, और जिस पुत्र के लिए वो राज लिए थी अयोध्या का, वो पुत्र भी उनको तिरस्कृत नजर से देखता था। तो ये उस समय की घटना है जब भगवान राम वन के लिए चले जाते हैं, चित्रकूट में रहते हैं, और इधर से भरत जी जब अपने मामा के घर से आते हैं और प्रभु राम को मनाने के लिए वन को जाते हैं, तो उसी समय का वर्णन है। आप सोचिए, जब भरत जी जा रहे हैं और लक्ष्मण जी दूर से देखते हैं कि भरत जी अपनी पूरी अयोध्या की सेना के साथ आ रहे हैं, तो तीर कमान ले लेते हैं कि अरे भरत तो आपका अहित करने आ रहे हैं। तो प्रभु जी कहते हैं, भरत ही हो ही न राज मद विधि हरि हर पद पाए, कबहुँ की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। कहते हे लक्ष्मण, भरत को तो कभी राज का मद हो ही नहीं सकता है, अयोध्या का राज मद उनको नहीं हो सकता, अयोध्या की गद्दी पाकर के उनको कोई घमंड नहीं हो सकता है। भरत तो ऐसे हैं जिनको विधि हरि हर पद पाए, जो भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव के पैरों को भी पा जाए, उनके चरणों को भी पा जाए, तो उनके अंदर कोई घमंड नहीं होगा। तो ये अयोध्या का एक छोटा सा राज्य पा करके उनके अंदर कैसे घमंड हो सकता है। भारत को उसी प्रकार से कोई अहंकार नहीं हो सकता है जैसे कि क्षीर सागर में अगर थोड़ी सी टाटरी या थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए तो क्षीर सागर नहीं फटता है। भारत तो क्षीर सागर है, उनको ये अयोध्या का राज उनके लिए एक नींबू के एक बूंद जैसा है, उससे उनके सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अर्थात उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होने वाला है। भगवान राम भरत को जानते थे कि भरत का स्वभाव कैसा है, तो जानते थे कि भरत जो आ रहे हैं इतनी सेना के साथ, वो मेरा कोई अहित करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि मुझे इस बात को मनाने के लिए आ रहा है कि मुझे अयोध्या चलना है। और भगवान राम अब खुद पेशोपस में पड़ जाते हैं कि बताओ मैं भरत को कैसे इनकार करूंगा, अर्थात उनसे बड़ा स्नेह था भगवान को। तो वही है कि भरत जी जब आते हैं और पूछते हैं प्रभु राम को, बताओ भरत क्या बात है, तो भरत कहते हैं हमको तो अकंटक राज मिल गया, माता की इच्छा थी कि हमको राज मिल जाए वो मिल गया, माता की इच्छा थी कि आप जंगल में रहो झोपड़ी में रहो वो भी आपको मिल गया, तो हमको और क्या चाहिए, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। अर्थात भरत जी माता पर व्यंग मार रहे हैं कि माता जी ये चाहती थी भैया मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। तो वही कवि ने लिखा है। अब मैं जो ये कवि ने पंक्तियां लिखी वो मैं आपको बताऊंगा, और बिना अर्थ के ही आप इसका अर्थ जान जाएंगे। चित्रकूट, अब आप अपने को पहुंचाइए कि चित्रकूट में प्रभु राम जी बैठे हैं, सामने भरत और पूरी प्रजा बैठी है, और रात्रि का समय है और वो सब लोग मनाने के लिए खड़े हैं, ऊपर से देवता लोग निहार रहे हैं कि अरे भरत आ गए हैं प्रभु को मनाने, अब क्या होगा, ऐसा ना हो कि भरत के कहने से प्रभु राम जी वापस चले जाए और फिर ये राक्षसों का नाश कैसे होगा। सबके अंदर एक कौतूहल है, उत्सुकता है। तो वही लेखक ने लिखा है, भरत राम के मिलन का एक अद्भुत संवाद है।
इसके खत्म होने के बाद इसी में माता कैकेयी की उस करुण सागर को बताऊंगा कि उनकी वेदना क्या है, एक नारी की वेदना क्या है। फिर हाल पहले भरत तदंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। मैं आपको चित्रकूट के घास के नीचे की चित्रकूट में रात है और रात को सब लोग बैठे हैं और उसी दृश्य का वर्णन है कि जब प्रभु राम को मनाया जा रहा है, भरत अपनी बात कह रहे हैं, तो वही संवाद है। तदंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परामोशन भयातुरों के थे वे। अर्थात देवता भी निहार रहे थे, डर भी रहे थे कि ऐसा ना हो कि प्रभु जी वापस चले जाएं तो राक्षस कैसे मारे जाएंगे। और सबके अंदर एक उत्सुकता भी थी कि देखो अब क्या होगा, भरत आ गए। जैसे कभी कभी आप लोग के सामने होता कि कभी आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है और आपके सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जिसको आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, तो वही दृश्य है, उसी पर मैं आपको ले चलता हूं। तदंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परामोशक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वाय रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। वह चंद्र लोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गभीर निर्णित जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिक्षित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर रहा क्या भरत अभिक्षित, अब भी मिल गया अकंटक राज। उसे जब तब भी पाया तुमने तरतले अरण बसेरा, रह गया अभिक्षित से तदब क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तत तात ने तागया, क्या रह गया अभिक्षित और तथा भी अभागा। हाँ इसी अयस के हित जनन था मेरा, निजन्नी के ही हाथ हनन था मेरा। अर्थात आप जंगल पा गए, मुझे अयोध्या मिल गई, पिताजी तड़प तड़प करके उनकी जान चली गई, अब भी हमको कुछ चाहिए, हमको अब कुछ नहीं चाहिए। और मेरे को जो अपयश मिला है वो तो मेरी माँ ने ही हमको दे दिया है, अर्थात सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही हो गया है, तो हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हम तो तृप्त हो गए हैं। वही भरत जी कह रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे, करुणा है उनकी, रो रहे हैं। वही जो है भरत जी का ये संवाद है, जब प्रभु कहते हैं कि भरत अपना अभिषेक बताओ क्यों आए हो, कोई बात है क्या, तब वही दृश्य है। और ऐसे उसको कवि ने कैसे लिखा है कि आप देखिए, आपको उसका अर्थ स्वयं ही पता चल जाएगा। हे आर रहा क्या भरत अभिक्षित, अब भी मिल गया अकंटक राज। उसे जब तब भी पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, रह गया अभिक्षित से तदब क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिक्षित और तथा भी अभागा। हाँ इसी अयस के हित जनन था मेरा, निजन्नी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिक्षित और आज वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आज बता दो तुम्ही अभिक्षित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद फिर सींचा। प्रभु जो है भरत के इस बात को सुनकर के रोने लगते हैं, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसी का दृश्य है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु रोने लगते हैं, कहते हैं कि उसकी था कौन पाएगा, जिसको माप जन्म देकर के भी जिसकी था नहीं लगा पाई। अर्थात माना जाता है कि माँ अपने बेटे को पूरी तरह से जानती हैं या समझ सकती हैं, तो वही कहते हैं जिस बेटे को माँ नहीं समझ पाई उसकी था जन सामान या भगवान भी क्या लगा सकते हैं। वही प्रभु राम रोते हुए कहते हैं, तो कहे कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब माता बोलती हैं, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा वताया था विधि लेखा, बैठी थी अचल तथा असंग तरंगा। वा सिंघी अब थी हहा गौमुखी गंगा। सबने रानी की ओर देखा कि अरे ये कौन बोल दिया कि चलो भैया घर लौट चलो, तो वही दृश्य है कि सब रानी की ओर देखते अब माता कैकेयी का जो है रुदन चालू होता है या प्रारंभ होता है। वही माता बोलती हैं,
चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वता यथाविधि लेखा, बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा, वास्तव सिंघी अब थी हा हा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तद तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उगसाई गई भरत से हूं तो पद समान स्वयं पुत्र भी खूं। माता कहती हैं कि यदि भरत ने मुझे उकसाया हो तो जैसे मेरी पति की मृत्यु हो गई है वैसे ही मेरे इस बेटे की भी मृत्यु हो जाए, अर्थात जो किया वो मैंने किया, इसमें इस मतलब मेरे बेटे का कोई भूमिका नहीं थी। वही माता कहती हैं, और कहते हैं कि नारियां अपने पक्ष को केवल कसम खा करके ही रख सकती हैं, वो दुर्बल हैं, वो केवल शपथ खा करके ही अपने को सिद्ध सही कर सकती हैं कि मेरे अंदर क्या था। तो वही माता कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह शपथ विशेष है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पथ समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कैसो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकती, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। माता कहती है कि मंथरा क्या गलती थी, गलती तो मेरी थी, उसने अगर मुझे भड़का ही दिया था तो उकसाया ही था तो मुझे उसके उकसाने में नहीं आया आना था, लेकिन मेरी गलती है तो उसका दोष मुझे दे, तीनों लोग मुझ पर थूके मुझे तिरस्कृत करें, मुझे जो है जो कहना हो कहे, लेकिन भरत की मैं माता नहीं हूं ये मुझे ना कहे। अभी मैं आ रही थी रास्ते में तो सब कहते थे माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन यहाँ पर माता कुमाता हो गई है, पुत्र तो आज भी सुपुत्र है, उसके अंदर ना कोई लोभ था ना लालच था, जो कुछ था जो पाप था वो मेरे अंदर ही था। और हमेशा जो है एक कहानी ये चलती रहेगी, राम के कुल में रघुकुल में एक अभागी रानी थी जिसने भगवान राम को वन भेज दिया था, ये तिरस्कार ही मेरा बहुत है, लेकिन भरत की माता का पद मुझसे कोई ना छीने। वही माता कैकेयी का जो विलाप है अनुताप है वही इस काव्य में दिखाया गया है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहे सकाना निज विश्वासी, जल पंजरगत अरे अधीर अभागी, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागी। पर था केवल क्या जलित भाव ही मन में, कुछ मूल नहीं वासल मात्र क्या तेरा। कहते हैं मतलब माता जी कहती हैं कि मंथरा की क्या गलती थी, हमारे अंदर ही ये सब चीजें उत्पन्न हो गई, अगर मैं अच्छी होती तो चाहे जितना मुझे सिखाती वो मेरे अंदर ना आता। तो वही कहती हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहे सकाना निज विश्वासी, जल पंजर गत अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या जलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वासल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कहे सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। कहते मैंने इसको नहीं देखा, मैंने केवल अपने लोभ को देखा, ये हमारा पुत्र आज भी पुत्र है और मैं कुमाता हूं। मैं अब संसार ये कहेगा कि माता कुमाता हो सकती है भरत को दे करके, लेकिन पुत्र जो है कुपुत्र नहीं हो सकता है। तो वो कहते हमने माता के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी।
माता का आप देखिए कितना करुणा उनके अंदर रही होगी, क्या मतलब उनके अंदर कितनी वेदना रही होगी, वो कवि ने लिखा है जिसको आज तक हम लोग नहीं जान पाए, कभी किसी लेखक ने कभी किसी कवि ने माता कैकेयी के पक्ष को हमारे सामने नहीं रखा, जिसने रखा उसने माता को एक खलनायक के रूप में ही हमारे सामने पेश किया था। तो वही उन्होंने लिखा है कि दृढ़ हृदय न देखा मृतुल गात ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निर्जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने ही जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के सवा साथ चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। माता की इस वेदना को सुनकर के पूरी प्रजा एक साथ चिल्लाती है कि अरे ऐसी माँ धन्य है जिसने इस पुत्र को जन्म दिया है, और 100 बार धन्य है जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया है। वही कवि ने माता के इस 4 पंक्तियों में उनके उस गौरव को, उनके यश को फिर से प्रतिष्ठित किया है, जो हम उनको माता को एक समाज में विलेन के रूप में देखते हैं कि प्रभु राम को वन भेज दिया था। देखो कवि ने उनके भाव को केवल 4 लाइन में लिखा है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। प्रभु ने अपने मुंह से कह दिया कि अरे वो माँ धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, और जब प्रभु ये कह देते हैं तो पूरी प्रजा के साथ में कह देती है कि अरे 100-100 बार धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इसी के साथ माता कैकेयी का गौरव फिर से प्रतिष्ठित होता है। प्रभु बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पगली सी प्रभु के साथ प्रजा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो कवि मैथिली शरण ने माता कैकेयी के विरह वेदना को हमारे सामने अपनी पंक्तियों में लिखा है, और ये दिखाया कि वो केवल एक क्षण के लिए किसी के उकसाए में आकर के प्रभु राम को वन भेद देती हैं, लेकिन वो माता राम से और भरत से अत्यंत ही अधिक स्नेह करती थी।